हेलो जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है, जे ब्लॉग किचन से स्टार्ट। आजकल गोभी के अंदर से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं ना, जब भी गोभी काटें तो अच्छे से देख कर काटें। अभी शाम के टाइम में बनेगी आलू गोभी की सब्जी। मैं कोई भी सब्जी वॉश करती हूँ तो उसी उसके अंदर हल्दी और थोड़ा सा नमक ज़रूर डालती हूँ। हल्दी नमक डालने के बाद थोड़ा सा हमने गैस के चढ़ाना है, ज़्यादा गलाना नहीं, इसको गर्म करना है थोड़ा सा। तो सब्जी को साफ कर कर पानी से निकाल कर जो हल्दी वाला पानी होता है वो किसी पौधे में डाल देती हूँ मैं जब ठंडा होता है। तो अदरक टमाटर का मसाला रेडी कर लूँगी, लहसुन प्याज में डालती नहीं हूँ, काना को भोग लगाना पड़ता है। और किचन का काम जल्दी ख़त्म करके फिर मैं एक काम और करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। वो मसाला मैंने रेडी कर दिया, इसके बाद मैं गोभी को फ्राई करूँगी। गोभी के अंदर से हल्दी वाला पानी निकाल दिया, जीरा और अदरक टमाटर बीच में मसाले डाल दें तो बहुत टेस्ट बनती है सब्ज़ी, लहसुन प्याज के बिना भी। इसके बाद बनाऊंगी थोड़ा सा हलवा लड्डू गोपाल जी के लिए। कभी कभी सुबह भी बना लेती हूँ मीठा, और शाम को भी कभी बन जाता है। सब्जी तड़का लगाने के बाद बाकी वाले काम निपटा लेंगे। और मेरी किचन की साफ सफाई भी हो गई और मैं खाना भी बना के आ गई। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ। मैं आज बना रही हूँ तुलसी माता के लिए पोशाक। तो जे मैंने आधा मीटर कपड़ा लाया था, जे पूरे का पूरा लहंगा बन जाएगा, रेड कलर का लहंगा बनेगा। और मेरे पास नेट थी येलो कलर की, तो इसकी बनाऊंगी मैं चुन्नी, तो फ्रिल लगाऊंगी मैं रेड कलर की लहंगे के साथ मैच करके। तो सबसे सुंदर बनी है चुन्नी माता की, चुन्नी का लुक बहुत अच्छा है। और जे लहंगा बनाया है, लहंगे में डाली है इलास्टिक, चाहे डोरी डालो चाहे इलास्टिक डालो, जे अपने पर डिपेंड है। तो ये देखिए चुन्नी, चुन्नी बहुत सुंदर लगी है, चुन्नी का लुक बहुत अच्छा है। अगर आपने ड्रेस की फुल वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो जाकर। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरी वीडियो में पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करते हैं।